तो ये वीडियो डालने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोकी जब से एमसीयू से गया है तब से एमसीयू का हालत कुछ अच्छा रहा नहीं, और हम सब फैंस का भी किसी से उम्मीद उतना था नहीं सिर्फ लोकी को छोड़ के, क्योंकि लोकी का सीजन 1 एमसीयू का सबसे बेस्ट सीरीज माना जाता है। और फिलहाल इसी लोकी सीरीज की सीजन 2 की पहली एपिसोड 6 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है, जिसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो यार बवाल था, जिसका बिना स्पॉइलर के साथ अगर हम लोग कहानी की थोड़ी सी प्रीव्यू करें तो इस पूरे फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दिखाया जाता है टाइम स्लिपिंग का, जो कि लोकी फेस कर रहा है, जिसमें लोकी पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में ग्लिच मार के ट्रेवल कर रहा है। हाँ, वो कोई यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर रहा, बस टाइम में ही ट्रेवल कर रहा है। अब इसको एक पावर कह सकते थे अगर इसका एक्सेस लोकी के पास होता, क्योंकि इसका एक्सेस लोकी के पास नहीं है, इसीलिए एक प्रॉब्लम है। मींस वो ना चाहते हुए भी कभी पास्ट में चल जा रहा है, कभी प्रेजेंट में चल जा रहा है, या कभी फ्यूचर में चल जा रहा है। लेकिन जैसे हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, इसका भी एक सोल्यूशन है, बट बहुत ही डेंजरस, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो लोकी अपनी जान से हाथ धो सकता है और मोबियस अपनी सारे शरीर की चमड़ी उतर सकता है। तो अंदाजा लगा लो कि कितना खतरनाक होगा ये। अब ये जानने के लिए कि लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है कि नहीं, इसके लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी बताना स्पॉइलर होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्पॉइलर के साथ इसको देखने जाए, क्योंकि यार देखना तो आपको पड़ेगा ही। क्योंकि अगर आप एक मार्वल फैन हो तो मैं आपकी फीलिंग समझता हूं, आप तरस गए होगे एक अच्छी सीरीज या फिर मूवी देखने को एमसीयू की तरफ से, और फिलहाल वो आ चुका है, जिसमें ईस्टर एग भर भर के है, जिसकी स्टोरी तगड़ी है, और वीएफएक्स की मैं बात ही क्या करूं। इस एपिसोड के लास्ट के 5 और 10 मिनट के अंदर जितना खूबसूरत, जितना बवाल वाला वीएफएक्स और सीजीआई हमें देखने को मिला है, मुझे लगता है कि पूरे सी हल्क की सीरीज से भी बेहतर है वो। तो हाँ यार, मुझे तो ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई, और अगर आप मेरी तरह एक एमसीयू का फैन हो तो आपको तो मेरी सजेशन की कोई जरूरत है नहीं, जाके आराम से चेकआउट करो। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो मार्वल की इस थोड़ी खराब टाइम की वजह से उन लोगों से मन उठ चुका है, तो यार वापस आ जाओ, असेंबल होने का टाइम आ चुका है। एंड द हाईलाइट, अगर आप मार्वल के फैन नहीं हो फिर भी अच्छी सीरीज वगैरह देखने में बिलीव करते हो तो यार इसको जरूर चेकआउट करना, सीजन 1 सीजन 2 को दोनों को ही। लेकिन इस बार जिस सीरीज की मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए आपको इसका फैन होना जरूरी है, क्योंकि ये सीरीज सबके लिए नहीं है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न प्राइम के ऊपर अवेलेबल दी बॉयज की स्पिन ऑफ जेन भी के बारे में। तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह के सुपर ह्यूमन हमें देखने को मिलेगा, और इसके अंदर तो और भी ज्यादा इमेच्योर सुपर ह्यूमन बड़े पड़े हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर सभी अपने टीनेज पे है, जो लोग अभी भी अपने पावर को कैसे यूज करते हैं उसको सीख रहे हैं, अपने अंदर का पोटेंशियल अभी भी जान रहे हो लोग। तो दी बॉयज में तो जैसा हमें पता चली गया कि कोई भी सुपर हीरो पैदा नहीं हुआ था, सबको बनाया गया था, और ऐसा ही अगर सीरम अगर आप मार्केट में छोड़ दोगे तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को सुपर हीरो नहीं बनाना चाहेगा। और वही चीज हमें देखने को मिलता है कि ये सीरम बाहर में मिलने के कारण लाखों माँ बाप अपने बच्चों के शरीर में ये सीरम इंजेक्ट कर चुके हैं, और इन सबको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो सुपर हीरो से ज्यादा सुपर विलेन हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए एक यूनिवर्सिटी है, गोडल की यूनिवर्सिटी, जिसमें इन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, या फिर कह सकते हो कि एक इंजीनियर कॉलेज की तरह, जिसके अंदर आप रहोगे, आप अपने पावर को सीखोगे, और अगर आप अच्छे रह गए तो Vault 7 या फिर Super 7 के अंदर आपका जगह फिक्स हो जाएगा। और Super 7 के अंदर जगह फिक्स होने का मतलब तो आप सबको पता ही है। खैर, इसकी कहानी जितनी प्यारा और जितनी स्वीट सुनने में लग रहा है ये उतना है नहीं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज सबके लिए नहीं है, जिसमें पहली बात तो ये R-rated 18+ है। ऊपर से फिर भी बहुत जन इस तरह की सीरीज देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग दी बॉयज की तरह अपने ऊपर कोई एक नकली अच्छाई का सच्चाई का चादर ओढ़ के नहीं रहता। ये लोग समाज को वैसे ही दिखाते जो वो रियली में है, मतलब दुनिया को आप जितनी खूबसूरत इमेजिन कर रहे हो ये उतनी खूबसूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में जो कैरिमिनाटी ने कहा था दुनिया के बारे में, ये सीरीज उसी को रेप्लीकेट करता है। अब शायद आप लोग मुझे जज करो या कुछ भी, बट मुझे इस तरह की सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, और इसीलिए शायद मैं दी बॉयज का इतना बड़ा फैन हूं और ये सीरीज भी मुझे पसंद आया। हां, कुछ फ्लॉज भी है इसके अंदर, जैसे कि इसका धीमा टाइमिंग, बट ये एक सीरीज है तो उसे उस हिसाब से जज करना चाहिए। और इस पहले सीजन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ थोड़ी थोड़ी टाइम तो सब कैरेक्टर को देना पड़ेगा ना। खैर, अब तक इसका फिलहाल 4 एपिसोड आ चुका है और 4 आने वाला है, और इसके अंदर मारकाट, खून खराब है, इंटीमेट सीन भर भर के, जो इसे एक स्ट्रिक्ट 18+ R-rated सीरीज बनाती है, जिसमें पहली बात तो रियलिटी चेक मिलता है कि यार सच में अगर सुपर ह्यूमन हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करते तो उन लोगों को हमें बचाने से ज्यादा हमारी लेने में मजा आता। तो अगर आपने दी बॉयज देखी, आपको अच्छा लगा, तो इस सीरीज को भी आप लोग चेकआउट कर लेना, आपको मजा ही आएगा। खैर, इन दी एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस वीडियो के अंदर मैंने 2 सीरीज का नाम लिया है, एक R-rated और एक PG-13, और दोनों ही बेहतरीन है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइन के किस पार रहना चाहते हो, या फिर अगर आप मेरी तरह लाइन के बीचों बीच खड़े होकर दोनों ही सीरीज का मजा लेना चाहते हो तो यार वेलकम। Being a hero is not about glory, it's about sacrifice.